और लंडो की हाल चाल, अब तुम लोग बढ़िया हो गए। सो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं एक और बार नेक्स्ट मोहन। तो जैसे तुम लोग ने कहे तो पिछले एपिसोड में देखा था, पिछले एपिसोड में हम कहे तो इग्नाटिया आए थे और इग्नाटिया में हमें पता चला कि ओवर शेयर से मिलने के लिए हमें एक टिकट की ज़रूरत पड़ेगी, बट हमारी किस्मत हमेशा की तरह ख़राब रहती है, क्या ही बोलना। तो या हम लोग ने किसी भी तरह जुगाड़ किया और फाइनली हमें एक बिल्ला मिला, जिस बिल्ले का हमें एक पार्सल लेके आना है और वो फिर हमें कहे तो इग्नाटिया का जो ओवर शेयर है उसके कॉन्सर्ट का टिकट दे देगा और उसके बाद हम कहें तो उस ओवर शेयर से मिल पाएंगे। सो लेट्स गो। फिलहाल के लिए आज हम लोग उसका पार्सल देखने वाले हैं और देखने वाले हैं उसके पार्सल में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है भाई जो हम लोग को वो भेजा है, और उसका बंदा कहाँ ऐसा फंस गया, उसको कौन रोक लिया। मतलब फंसना तो नहीं चाहिए था बट फिर भी वो फंस गया है। सो या हमारा काम है उसे ढूंढने का और देखने का वो कहाँ भटक रहा है। मतलब या क्या पता ज़िंदगी के मौज ले रहा हो, कोई भरोसा नहीं उसका, बट या कह सकते हैं आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हटो। ओके, कौन भाई, किसने बोला? ओ आई थिंक सो यही वो बंदा है। ओके, यही बंदा है मुझे जहाँ तक लगता है। ओ दस ग्रंट्स वर्क फॉर द नेक्स्ट लॉर्ड। ओके, तो ये वही है जो नेक्स्ट लॉर्ड के लिए काम करते थे। वॉट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? ऑफकोर्स हमें उसके पीछे जाना चाहिए। वेल इट्स अप टू यू, बट रिमेंबर दैट वी नीड टू फाइंड द मिसिंग पैकेज। ओके, तो तुम्हें ये तुम्हारे ऊपर है, बट तुम ये भी याद रखना कि हमें वो गुमा हुआ पैकेज भी ढूंढना है। बात में उसके दम है बट पता नहीं क्यों मेरे को शक हो रहा है वो बंदा है जिसके पीछे ग्रंट पड़े हैं, मतलब नेक्स्ट लॉर्ड के। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वही वो बंदा है। सो या मैं उसके पीछे जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। सो लेट्स गो, क्या पता हमारा शक सही निकले, मतलब यार लिटरली, क्योंकि हमें फटाफट ओवरसीयर इग्नाटिया वाले से बात करना है। उसका वैसे मेरे को नाम नहीं पता, ओवरसीयर का इधर वाले का नाम क्या है? ओ भाई साहब, किंडाला। आई थिंक ये पहले नहीं था नेक्स्ट मॉन में किंडाला, मतलब यार ये नया ऐड किया गया है। और मैंने कहा तो थोड़े बहुत मैंने नेक्समोन्स को भी ट्रेन किया है और एक नया नेक्समोन भी पकड़ा है, वो रेयर किस्म का है बट या काफ़ी अच्छा है, मतलब वो ठीक ठाक डिसेंट से अटैक सिखा है। मेरे को मेगा रेयर चाहिए था और स्पेशल की हंटिंग कर रहा था बट स्पेशल मेरे को मिला ही नहीं, सो मैंने सोचा रेयर ही चल जाएगा, मेगा रेयर भी मिल ही नहीं रहा था और मेरे को एक वाटर टाइप की ज़रूरत थी। सो या इसलिए मैंने इसको ले लिया। सो मारते हैं इसके ऊपर सीधा व्यू और डुबा देते हैं इसको, डूब जा भैया। वैसे एक गाना गाने वाली पोकेमोन है क्या, मतलब पोकेमोन बोल रहा हूँ, सॉरी नेक्समोन। वो अद्दा है, मतलब इतने दिनों से अपन पोकेमोन का गेम खेल रहे थे, दैट्स वाई मैं पोकेमोन का नाम ले रहा हूँ, बट ठीक है भाई, इस गेम का बात ही अलग है। एस्टर, ये भी आई थिंक नया है या ये पहले था गेम में, मेरे को एस्टर के बारे में नहीं पता बट आई थिंक सो ये नया है, बट ठीक है इसको भी नहला देते हैं भाई क्योंकि इसके सर पे आग लगा है, सो बुझाना ज़रूरी है, नगर बेचारे को हॉस्पिटल में काफ़ी पट्टियों की ज़रूरत पड़ जाएगी। सो या हम उसके एक हिसाब से हेल्प ही कर रहे हैं, सो ये मत बोलना कि मैं उसको हरा रहा हूँ, मतलब या उसकी वाट लगा रहा हूँ, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ एक्चुअल में। ओके, तो मुझे लगता है मुझे हेल्प की ज़रूरत है, सो एक्सपंक को बुलाते हैं। लेट्स गो एक्सपंक, तबाही मचा दे लौंडे। इसका फाइनल एवोल्यूशन कितने लेवल पे होता है? आई थिंक 32 या 36 पे हो जाता होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। सो या एनर्जी ब्लास्ट के साथ तबाही मचा दे लौंडे। ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, सिर्फ 7 HP बच गया यार, वन शॉट हो सकता था, बढ़िया इसकी किस्मत अच्छी है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लेम कोलिजियम, लेट्स गो, बहुत बढ़िया। मेरे को यही करना चाहिए था क्योंकि दो बार आखिर मेरे को डैमेज देना पड़ा, सो मेरे को फ्लेम कोलिजियम ही करना चाहिए था। ओ रॉक टाइप जगास्ट्रिच, और इसका नाम वैसे ऑस्ट्रिच होना चाहिए था बट जगास्ट्रिच। ओ भाई साहब, मेरा 7 HP है यार उसके पास, मुझे लगता नहीं है मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सपंकी अपना संभाल लेगा यार मुझे जहाँ तक लगता है। ओ भाई साहब, 3 HP छोड़ दिया भाई, मुझे लगा कि ये लौंडा वाट लगा देगा बट भाई किस्मत है किस्मत, मतलब यार अब मुझे लगता है हीलिंग की मुझे ज़रूरत है। ओके, नहीं हीलिंग की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारा कछुए का, कछुआ नहीं क्या बोलते हैं इसको, केकड़ा, नहीं केकड़ा भी नहीं है, इनको क्या बोलते हैं, स्नेल, ये स्नेल है, तो दोनों का लेवल बढ़ गया भाई, तो ये ऑटोमेटिक हील हो गए। मेरे को नेक्समोन का ये अच्छा बहुत अच्छा लगता है कि जब भी अपना कोई भी नेक्समोन लेवल अप होता है सो वो ऑटोमेटिक हील हो जाता है, ये फीचर मेरे को इस गेम का सबसे बेस्ट लगा क्योंकि पोकेमोन में ऐसा है नहीं, पोकेमोन में तुम्हारा लेवल अप हो या तुम्हारा पोकेमोन इवॉल्व भी हो जाए मतलब तुम्हारे HP में कुछ भी चेंजेस नहीं आते, ना तुम्हारे क्या बोलते हैं स्टैमिना पॉइंट्स में, ना तुम्हारे BP में, बट नेक्समोन में ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब इसमें ये चीज़ काफ़ी अच्छा दिया गया है। और इसके इन्वायरमेंट और इसका म्यूज़िक तो तबाही है भाई, इसका म्यूज़िक सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है। ओके, अब इसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता, तो मैं सीधा सीधा जाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कि अपना गैस सही निकलता है कि गलत निकलता है। वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं गलत ही हो सकता हूँ बट स्टिल वाई नॉट, ऊपर वैसे एक रास्ता है बट या उसको अपन आते टाइम चेक कर लेंगे। ओ एकदम सही जगह आया भाई साहब, क्या ही बात है।
आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है। ओके भाई क्या कहा है मुझे बता दें, मैं भी तेरे को बताऊंगा। इट्स डेंजरस, ओके ये खतरनाक है। ओके भाई क्या खतरनाक है, जस्ट हैंड इट ओवर एंड वी लीव यू अलोन। ओके तो वो बस हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। यू आर क्रेजी, वे वुड यू एनी वन नीड, क्या एवर नीड दिस। ओके तो तुम पागल हो क्या, भला किसी को इसकी ज़रूरत कैसे हो सकती है। आई एम कीपिंग क्या होल्ड ऑफ इट्स, गो अवे। ओके तो कहें तो मैं ये अपने पास ही रखूँगा, तो तुम भाड़ में जाओ। ओके भाड़ में, भाई भाई हिम्मत, लौंडे के पास हिम्मत है, क्या बोल रहे हैं इन लोग को। हाँ हु आर यू सपोज टू बी, ओके तो तुम कौन हो। अरे मैं एक छोटा साधा मामूली सा लौंडा हूँ, मतलब यह कह सकते हैं। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ओके भाई ये मेरे काम का नहीं है, तो पैसा दे दे मैं इधर से निकल जाऊँ, मतलब यह क्योंकि बिजनेस विजनेस तो मुझे करना ही नहीं है, बट ठीक है। Somebody get rid of this kid, ओके तो कोई इस बच्चे को ठिकाने लगा दो। ओके भाई साहब मेरे को बच्चा समझ के ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बट कौन से ठिकाने ले जाएंगे वो तो बता दिए होते हैं। चलो ठीक है भाई, लोग बैटल कर रहे हैं ठिकाने लगाने की जगह, बहुत अजीब ही लोग हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आता ये नक्सल लॉर्ड के जो चमचे हैं ग्रंट्स हैं वो महाजीब है भाई, ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं और ठिकाने की जगह मेरे से नेक्स्ट समय बैटल कर रहे हैं। ओ पैरालाइज, इस गेम से मेरे को तीन चीज़ों से नफरत है पता है। नेक्स्ट समन में ये तीन चीज़ तुम्हारे पास है तो तुम इस गेम के गॉड हो। पहला पैरालाइज, दूसरा कन्फ्यूज़न और तीसरा बाइंड, ये तीन अटैक तुम्हारे पास है तो तुम्हें हरा दे ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। एक तो इसने पैरालाइज लगा दिया, दूसरा कन्फ्यूज़न लगा दिया, इसमें एक बार तुम्हें पैरालाइज लग गया तो तुम लगातार पैरालाइज होते चले जाते हो। ये मेरे को इस गेम का काफ़ी बेकार सीन लगा, मतलब एक बार पैरालाइज लगा तो भाई हटना चाहिए यार, पोकेमोन में तो पैरालाइज लगने के बावजूद भी हमारे पोकेमोन्स अटैक मारते हैं, बट नेक्सोमोन में ऐसा नहीं है। नेक्सोमोन में तुम्हारा मतलब लग गया पैरालाइज तो वाट लगने वाली है। कन्फ्यूजन में कभी कभार तुम्हारी किस्मत अच्छी रहती है और मतलब या तुम्हारा जो नेक्सोमोन है वो सामने वाले के ऊपर अटैक मार देता है। बहुत दहक में तो समझा ही रहा था तुम लोग को, और उसने मेरे ऊपर बाइंड भी लगा दिया। कितने हरामी ये ग्रंट्स हैं यार, क्या ही मैं बोलूँ, दिमाग ख़राब कर दिया भाई। अब बाइंड तो टूट ही नहीं है भाई, एक पैरालाइज बहुत बेकार इस गेम में और एक बाइंड, बाइंड से तुम बच ही नहीं सकते। एक हिसाब से तुम पैरालाइज से बच जाओगे, बाकी हर चीज़ से बच जाओगे बट तुम बाइंड से बच ही नहीं सकते। आई डोंट नो व्हाई क्या मज़ा आता है इन लोगों को बाइंड यूज करने में, बट या बाइंड से तुम इस गेम में नहीं बच सकते। कन्फ्यूजन से बच जाओगे, पैरालिसिस से बच जाओगे, बट बाइंड से ये इम्पॉसिबल है। जब तक इसका मतलब टर्न ख़त्म नहीं होता जब तक तुम्हारे ऊपर बाइंड लगे रहेगा। ये सीन मेरे को काफ़ी बेकार लगता है इस गेम का, बट क्या ही कर सकते हैं यार, गेम में फ्रीचर है तो या वैसे अपन इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, बट अपने पास कोई ऐसा नेक्सोमोन है ही नहीं जो बाइंड अटैक सिखा है, सो अपने लिए फिलहाल के तो ये डिसएडवांटेज ही है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेरफोर ना मरने के लिए तैयार हो जा भाई, क्योंकि तूने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया बाइंड अटैक लगा के। लेट्स गो स्पंक, वन शॉट कर दे प्लीज़ ब्रो। ओके बहुत बहुत शुक्रिया बॉय मेरी बात सुनने के लिए। ओके अगला है क्लॉन्की, क्लॉन्की तो वैसे मेरी वाट लगा सकता है भाई, 18 एच पी बचा है, मैं हीलिंग के साथ जाऊंगा, मुझे मरना नहीं है भाई इधर तो बिल्कुल नहीं, हारना यार। आई थिंक सो बस एक ही बंदे से मुझे इधर लड़ना है, दो तीन बंदे से और लड़ना पड़ेगा तो मेरा दिमाग लिटरली ख़राब हो जाएगा, बिकॉज मेरे पास नेक्सोमोन्स की कमी है, मुझे नेक्सोमोन पकड़ना है यार, बट ढंग के नेक्सोमोन्स मुझे मिल ही नहीं रहे हैं कि कुछ नए और तबाहीदार नेक्सोमोन्स मेरे को मिल जाए जिनको पकड़ने का मेरा मन करे, और कन्फ्यूजन लगा दिया। अरे भाई शर्म कर ले यार, वो भाई कन्फ्यूजन इन लोग ने पूरा की पूरा स्ट्रैटेजी यूज किया, पहले बैंड लगाया, पैरालिसिस लगाया, फिर कन्फ्यूजन लगाया, मतलब हद होता है भाई, हद होता है, कुछ तो शर्म कर ले भाई, इन लोग कुछ तो शर्म कर ले, दिमाग ख़राब कर दिया भाई बंदों ने, पूरा की पूरा इन लोग ने ट्रैप मूव इस्तेमाल किया, और ट्रैप मूव क्या बोला, ट्रैप मूव से बचना इम्पॉसिबल है, सचमुच दिमाग ख़राब मेरा, क्या ही बोलूँ मैं। इसलिए मेरे को नेक्सोमोन थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब स्ट्रैटेजी के मामले में ये गेम कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है, मतलब तुम्हारे पास कोई ढंग की स्ट्रैटेजी नहीं है और तुम्हारे पास नेक्सोमोन्स की कमी है, सो तुम्हारी वाट लगने वाली है इस जगह पर जैसे मेरी वाट लगी, जस्ट लाइक दैट ऐसा कह सकते हो। वैसे मैं गलत जगह तो नहीं आया, मेरे को नीचे जाना था ऊपर जाना था, मैं सही आया हूँ गलत आया हूँ, आई थिंक सो मैं गलत आया हूँ, नहीं मैं सही आया हूँ। और भाई साहब मैं तुम लोग से बात करते करते गेम पर फोकस ही भूल जाता हूँ, ठीक है ओके लेट्स गो। इतने सारे नेक्सोमोन है इस गेम में, मेरे को लड़ने का नहीं है किसी भी नेक्सोमोन से, बट ये ओ मेगा रेयर, क्या बात है भाई, अपनी किस्मत है बढ़िया, इसको तो मैं पकड़ूंगा, मेरे को एक विंड टाइप चाहिए था और ये काफ़ी सही मौके पे आ गया। सो वेव मारते मरना तो नहीं चाहिए वेव से, ऑफकोर्स 50 का डैमेज हो रहा है तो मतलब एक अटैक और ये सहलेगा, बस क्रिट हिट ना हो जाए प्लीज़ भाई, कछुए क्रिट मत मारना। ओके बढ़िया
बच गए भाई। ओ भाई बंदा जोश में आ गया यार, मैं तो मजाक कर रहा था, बंदा सीरियस हो गया, मजाक मजाक में सीरियस हो गया। ठीक है, ओ गोल्डन एक्सो ट्रैप भी है मेरे पास, मुझे तो पता ही नहीं था, बट ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास रेगुलर ट्रैप है। और वैसे भी ये मेगा है, कितना ही नखड़े कर लेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन बार तोड़ेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं तोड़ने वाला। ओके क्या बात है, एक ही बार में आ गया, लेट्स गो भाई साहब, क्या किस्मत है अपनी। मतलब शुरुआत में किस्मत ख़राब रही, इजीली अपन को उस लोगों ने फोड़ डाला क्योंकि इतने सारे लोग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे। बढ़िया, अभी तो काफ़ी अच्छा है, एट द टीम बॉय। वैसे मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया और मेरा एक नेक्सोमोन मारा भी गया है, सो मैं क्या करूँ, मैं तुम लोग से हील करके मिलता हूँ। सो या ओके, तो हम फिर से आ चुके हैं भाई, इस बार तो मैं इन लोग से बदला लेके रहूँगा, पिछली बार तो इन लोग ने मेरे को हरा दिया था, बट इस बार मेरे पास नया नेक्सोमोन है और वो भी मेगा रेयर है। सो या इस बार तबाही होगी, सिर्फ सुपर डुपर तबाही है, और इस बार मेरा वाटर वाला भी हील है, पिछली बार थोड़ा सा डैमेज था, वैसे तो मेरे हिसाब से डैमेज नहीं था, वो हील हो गया था एक्चुअल में, मतलब या क्योंकि उसका लेवल अप हुआ था सो वो तो हील हो गया था, बट फिर भी अपनी किस्मत ख़राब है, क्या ही बोलना यार, मतलब फायर टाइप भाई वाटर टाइप को हरा दे रहा है, हद होता है। प्लीज़ कोई स्ट्रैटेजी मत यूज करना। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब इस बार इसने कुछ भी अजीब सा यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई अपन बच गए, नहीं तो फिर ये मेरी वाट लगा देता। ओके बाइंड वाला है, अरे बाबा बाइंड वाला है, मैं जा रहा हूँ इधर से, मैं अपने एक्सपंक को बुलाऊंगा क्योंकि एक्सपंक इसके सामने काफ़ी अच्छा इफेक्टिव बंदा है, और मेरा ये किसी काम का नहीं है क्योंकि वो विंड टाइप है, सो अपन फायर टाइप है, दैट्स व्हाई अपना एडवांटेज है। सो चलते हैं एक्सप्लोजन के साथ, लास्ट फ्रिकेट की गो, वन हिट, बहुत बढ़िया, पिछली बार तो इसने परेशान कर दिया था यार। ओ आ गया क्लॉकी, क्लॉकी तेरी तो इस बार मैं वाटी लगा दूंगा, एक और एक्सप्लोजन। ओ भाई साहब मरते मरते बचा यार, क्या ही एक्सपंक एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार, मतलब बहुत ज़्यादा, बट बेजलो से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब यार अपने को बेजलो मिल गया तो मज़ा ही आ जाएगा, बट अभी तक बेजलो देखने को मिला ही नहीं। ओ अपना क्या बोलते हैं स्नेल का बच्चा होगा 21 लेवल का। ओके अब बोलो, वेट अ सेकेंड, रुको, इज नॉट दैट टीमर हु बीट ओवरसीयर एवन। ओके तो तुम वही टीमर तो नहीं है जिसने एवन को हराया था, एकदम सही सोचा लौंडे, एकदम सही, अब मेरे से डर, अब मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आया यार, मतलब यार मेरे से डर रहा है तो कुछ खाने पीने के लिए ले आ, फायदा हो जाएगा। डैम इट, वी वुड नॉट, क्या वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी हियर। ओके क्या बोलूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम इधर मेरे को मिलोगे। टेक्टिकल रिट्रीट, ओके तो अब हमारा टाइम आ गया इधर से निकलने का। ओके भाई साहब निकलने का टाइम तो आ गया, बट मुझे भी टेलीपोर्टेशन पावर दे देते यार, इन लोग का भला हो जाता है यार, मेरे को बार बार चल के आना जाना पड़ता है यार, पैर दुखने लग जाता है, कुछ तो शर्म कर ले नेक्समन वाले। ईक स्टे अवे, यू वॉन्ट इफ योर सेल्फ डोंट यू। ओके तो तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हें भी ये तुम्हारे लिए चाहिए ना, दूर रहो मेरे से। आई हैव टू गेट रीड ऑफ इट। ओके मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो, इमिडिएटली। ओके भाई साहब ये बंदा भाग रहा है। ओ भाई तूने बड़े पाइप से कूद गया भाई, व्हाट द हेक इज दिस गोइंग ऑन हियर, व्हाट द हेक, वो व्हाट्स अप विद दैट गाय। ओके तो आखिर उस बंदे का प्रॉब्लम क्या है, वो तो मुझे नहीं पता यार, मैं क्या ही बोलूँ। डू यू थिंक ही इज दैट मिसिंग एम्प्लॉय रॉन वॉज टॉकिंग अबाउट। ओके तो तुम्हें क्या लगता है ये वही बंदा है जिसको बारे में रॉन बात कर रहा था। कम ऑन लेट्स ट्राई टू कैप्चर हिम, ही मस्ट बी नियर बाय। ओके तो चलो उसे पकड़ते हैं, वो पक्का आसपास ही होगा, मेरे को तो नहीं लगता भाई, वो इतना बड़ा मतलब हल्का भाई है भाई, इतना लंबा जंप मार लिया भाई, ये पाइप के ऊपर से जंप मार लिया, मैं मार ही नहीं सकता यार, व्हाट द हेक, कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी भाई, क्या ही चल रहा है इस गेम में भाई, बंदे पाइप के ऊपर से जंप मार रहे भाई, मुझे भी पाइप के ऊपर से जंप मारना है, मुझे भी दे दो यार गेम वाले जंप मारने के लिए, ये तो चीटिंग है यार, मतलब क्या ही बोल रहा, सुपर डुपर चीटिंग है। उन ग्रंट्स को मिला है नेक्सोलॉर्ड वाले को टेलीपोर्ट पावर, और इसको जंप पावर मिला है, और मुझे कुछ नहीं मिला है, मतलब मैं एकदम इस गेम में सुपर डुपर बेवकूफ़ हूँ। ओह वो क्या है भाई, वो उसके पीछे जो एनर्जी चमक रही है, ओ भाई साहब ये तो कोई प्लैनेट ही लग रहा है, मतलब चलता फिरता प्लैनेट, क्या पता इससे अपन कोई प्लैनेट बना पाए, और उस दुनिया का फिर अपन नाम रखेंगे मैक्सवेल किंग वर्ल्ड, और फिर उस दुनिया पे अपन राज करेंगे, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। बट ठीक है लेट्स गो, बात करते हैं उससे, बट ये नेक्सोमोन पहले मेरे को परेशान करना बंद करे, तो बार बार एक ही नेक्सोमोन आ रहा है यार, भाड़ में जाए तो नेक्सोमोन कहीं के कुछ नया नेक्सोमोन आ जाए, दिमाग ख़राब कर दिया, सेम टू सेम नेक्सोमोन बार बार, मतलब कुछ भी कुछ तो नया देखने को मिले तो मज़ा आता है, बार बार सेम नेक्सोमोन। हे डियर ओके तो तुमसे मिलकर फिर से खुशी, बंटाए ओके बंटाए बोल दिया भाई, आप तो उसको समझ तो आना चाहिए, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब या
अब मुझे लगता है तू उस बिल्ले का मिसिंग बंदा है, सो हमारे साथ चलियो नहीं तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। क्लाइम डाउन वी जस्ट ओके, तो शांत रहो हम लोग। आई नेवर हियर क्या हैंड ओवर क्या आई विल नेवर हैंड इट ओवर ओके, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा ओके, हमें चाहिए भी नहीं, मतलब लिटरली नहीं चाहिए, भाड़ में जा तू। नो बडी क्या शुड हैव दिस नो बडी ओके, तो कोई भी से नहीं ले सकता, कोई भी बोले तो कोई भी नहीं ओके, हमें चाहिए भी नहीं भाया, हम तेरे से पैसे लेंगे, हम वो बेकार सा सामान क्यों लेंगे, मतलब वो अच्छा रहेगा तो जरूर लेंगे बट पैसे तो इससे ले ही सकते हैं, सो लेट्स गो इसे लूटा जाए। देखा जाए इसके पास लूटने के लिए कौन से नेक्समॉन्स हैं ओके। क्रैब रिलो इतना अजीब सा नाम है, वो दह किस दिस नाम, भाड़ में जा तू भाई, कभी तो ये सिर्फ का बच्चा किसी को वन शॉट कर दे भाई, मतलब ये ऑफकोर्स वो 23 लेवल का है बट, और मेरा 21 का है बट स्टिल वन शॉट तो कर ही सकता है यार, क्योंकि इफेक्टिव है यार वाटर रॉक के ऊपर कुछ भी, मतलब ओ एक्सपंक है इसके पास, क्या बात है, इसका स्पंक वैसे अपन चोरी कर सकते हैं। ओ भाई सब इसको भी इसने वन शॉट नहीं किया भाई, एक लेवल का ही तो फर्क था यार, मेरा एक्सपंक इससे ज़्यादा बढ़िया है, मतलब इसके पास स्पंक है बट मेरा जो एक्सपंक है वो अभी होता तो भाई इसको वन शॉट कर देता, मतलब ये सचमुच कछुए का जो भी है स्नेल का बच्चा बहुत भंगार है, सुपर डुपर भंगार है, किसी को भी वन शॉट कर ही नहीं रहा है। ओके भाई ये तो एक लेवल कम था, इसको तो वन शॉट कर दिया होता, तो शर्म कर ले भाई स्नेल के बच्चे को, शर्म कर ले, मतलब हद होता है यार, सबको एक ही लेवल का डैमेज दिया प्लस एक तो इससे कम लेवल का था फिर भी उसको अच्छा खासा डैमेज नहीं दे पाया, मतलब मुझे एक वाटर टाइप बदलने की ज़रूरत है। सो या नो ये नहीं हो सकता। ओके भाई क्या नहीं हो सकता, लिसन अप हमें तो सुन ले भाई। रॉन क्या सेंड अस टू रेस्क्यू यू दैट्स ऑल ओके, रॉन ने हमें भेजा है तुम्हारे को बचाने के लिए, बस इतनी बात है। माय बॉस, मेरे बॉस ने भेजा। यप वी आर हियर टू हेल्प यू डिलीवर दैट पैकेज ओके, तो सही कहा तुमने, हम इधर आए हैं तुम्हारी मदद करने की तुम वो पैकेज को सुरक्षित उस जगह पर पहुंचा पाओ। नो बिल्कुल नहीं, नो 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 नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके भाई क्यों नहीं हो सकता, व्हाट्स रॉन्ग, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वी कांट बिलीव क्या डिलीवर इट ओके, तो हम कहते उसे डिलीवर नहीं कर सकते, वी मस्ट डिस्ट्रॉय इट हॉरिबल थिंग ओके, तो हमें इसे तबाह कर देना चाहिए, बहुत बेकार चीज़ है। ओके भाई क्या बेकार चीज़ है, वॉट क्या कहा तुमने, यू डोंट गेट इट नो बडी गेट इट ओके, तो तुम्हें नहीं समझ आएगा, किसी को नहीं समझ आएगा। ओके भाई बताएगा तब तो समझ आएगा, बता ही नहीं रहा है बेकूफ कहीं का। द नेक्स्ट लॉर्ड हिमसेल्फ इज अ कार रेक्लिपेंट ओके, तो नेक्सो लॉर्ड कहे तो वो खुद ही इसकी चीज के पीछे पड़े हुए हैं, क्या बात है भाई, स्वयं नेक्सो लॉर्ड इसके पीछे पड़े हुए हैं, तब तो कुछ तो खतरनाक बात है। नेक्सो लॉर्ड दिस इज फॉर हिम ओके, तो नेक्सो लॉर्ड और ये इसके पीछे पड़ा है, क्या बोल रहे हो तुम, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट थिंग ओके, तो आखिर ये कौन सा चीज़ है, मतलब ये आखिर करता क्या है, ऐसा कहना भी चाहता है। दैट्स नेक्सो कोर क्या नेक्समोन कोर, ओ नेक्समोन कोर वो दहेक नेक्समोन कोर, ये तो पहली बार सुन रहा भाई जिंदगी में मैं तो। द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या नोन टू मैन ओके, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी जो इंसानियत को जो जानते हैं। आई हियर दैट ही रिसीव्ड क्या कोलोसल मशीन एज वेल ओके, तो मैंने सुना कि उसके पास एक कोलोसल मशीन भी आया है। आई कैन ओनली अज्यूम क्या हिज पावर विथ इट कोर ओके, तो मैं कहें तो सिर्फ सोच सकता हूँ कि कहीं उसकी ये कोर उसको मिल गया तो उसके पास कितनी पावर होगी। अ मशीन, तुम कौन सी मशीन की बात कर रहे हो, कुड इट बी क्या ये वही है ओके भाई क्या है, मुझे भी बताइए यार, रोबोट का बच्चा हमेशा सिर्फ ये सस्पेंस में डाल देता है, बेवकूफ़ कहीं का, कभी ढंग से बताता ही नहीं है कि चल क्या रहा है ज़िंदगी में। वट एवर ही प्लानिंग आई मस्ट फाइंड अ वे टू डिस्ट्रॉय दिस कोर्स थिंग ओके, तो वो कुछ भी प्लान कर रहा है, मैं कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही लूँगा इस खतरनाक चीज़ को तबाह करने के लिए। वे डोंट यू जस्ट थ्रो इट इन टू लावा ओके, हाँ ये बात तो सही है, हम लोग बस इसको लावा में क्यों नहीं फेंक देते। नो इट्स ब्लो अप ओके, बिल्कुल नहीं, ये कहें तो तबाह कर देगा, इट कुड डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी, और कहें तो ये पूरा सिटी तबाह कर दे, ओ भाई सब सिटी तबाह कर दे, ओ भाई मतलब एक नाटिया गायब क्या बात है भाई, फिर तो करना चाहिए यार, एक फेंक दे यार, वैसे भी इस गेम में कोई मतलब नहीं है यार एक नाटिया का, किसी काम का नहीं है, गर्मी वाला शहर है, फेंक दे। ओके वेल हाइड इट देन बरी इन टू समवेयर ओके, तो अब मुझे लगता है इसे छुपा देना चाहिए, कहीं गड्ढा खुद के हम इसे डाल देते हैं। नॉट अ चांस इट्स क्या इमिटेड वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट एनी वन कैन ट्रैक फ्रॉम अवेयर ओके, तो बिल्कुल नहीं, ये मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ताकतें हैं, सो इसे कोई भी ढूंढ सकता है बड़े आसानी से। आई डोंट नो वॉट टू डू ओके, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भी नहीं समझ आ रहा भाई, लावा में फेंक दे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वे नॉट गिव इट अस ओके, तो वो हमें क्यों नहीं दे देते,
हाँ बात में ये भी दम है। व्हाट, तुमने क्या कहा? यू कैन ट्रस्ट अस, वी फाइटिंग अगेंस्ट द नेक्सलॉर्ड। ओके, तो तुम हमारे पर भरोसा कर सकते हो, हम नेक्सलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। वैसे ये रोबोट लड़ाई कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जबरदस्ती इसमें घसीटा गया हूँ, बिल्कुल भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मतलब भाई नेक्सलॉर्ड गुस्सा आ जाएगा भाई, फिर मेरा क्या होगा? काइंड ऑफ कह सकते हो। बाय साइड द कोर इज सेफर विद अस। ओके, तो कहें तो दूसरी बात, ये कोर हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। वैसे बात में दम है, बिकॉज हम लोग नेक्सल लॉर्ड के ग्रंट्स को इजीली हरा सकते हैं। वैसे नेक्सल लॉर्ड आ गया तो फिर बात अलग है, बट स्टिल यू आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग टेमर। ओके, तो तुम इतने भी ज़्यादा ताकतवर टेमर नहीं हो। आई सपोज यू आर राइट। ओके, मुझे लगता है तुम सही हो, बट देन यू बी आर वन इन डेंजर। ओके, तो कहें तो फिर तुम खतरे में पड़ सकते हो। हाँ बात में इसके दम है भाई, रोबोट कभी कभार गलत सोचता है, हमको नहीं चाहिए, तू अपने पास ही रख ले। दे फॉलो यू एवरीवेयर, और कहें तो तुम्हारा पीछा हर जगह करेंगे। हाँ बात में इसके दम है। और भाई इसने दे भी दिया, अब भाई मेरे को नहीं चाहिए था, यस नो पूछ लिया होता यार। द नेम्स मैथ्यू बाय द वे। ओके, तो मेरा नाम मैथ्यू है बाय द वे। ओके ठीक है भाया, वी फिगर इट आउट वे टू डिस्ट्रॉय इट सेफली। ओके, तो हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे इसे, मतलब सुरक्षित तरह से तबाह करने के लिए। ओके, रोबोट आखिर तबाही करना चाहता है, बहुत चालू लौंडा है। मतलब यार मुझे लगता है रोबोट अपने लिए इस पावर सोर्स का यूज करेगा, क्योंकि ये रोबोट है यार, इसको पावर सोर्स तो चाहिए रहेगा। आई शुड गो क्या रिपोर्ट टू माई बॉस। ओके, तो अब मुझे जाना चाहिए अपने बॉस को रिपोर्ट देने के लिए। प्रिसाइज विल मीट यू इन द सिटी। ओके, तो ठीक है हम सिटी में मिलेंगे। ओके भाया, यस वी शुड टॉक टू क्या रॉन एज वेल। ओके, तो हमें भी रॉन से बात करनी है, सो या लेट्स गो बैक टू द सिटी एंड गेट आवर कॉन्सर्ट टिकट। बात में दम है भाई, क्योंकि हमें इधर के ओवर शेयर से मिलना है और पूछना है कि नेक्सलॉर्ड के ब्रॉडकास्ट में आखिर ऐसा था क्या। मतलब अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं चला उसके ब्रॉडकास्ट के बारे में। ओह ड्रास, क्या बात है ड्रास, तू नहीं होगा पास क्योंकि तू है बहुत स्लो, और इसलिए तुझे ज़िंदगी में होना पड़ेगा फास्ट। मतलब क्या ही शायरी बन गया यार, मैं तो गलती से शायरी मारा था, बट काफ़ी अच्छा शायरी बन गया। ओके, लव घर पढ़ कर निकलते हैं, काश मेरे को कोई अच्छा सा मेगा अल्ट्रा रेयर सुपर डुपर रेयर नेक्समोन मिल जाए, बट यहाँ मिल सकता है आई थिंक सो। यहाँ कोई ना कोई नहीं, पीरा नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए ज़िंदगी में, वैसे मेरे बहुत सारा दर्द पीड़ा है, अब मेरे को पीरा वीरा नहीं चाहिए। ओके, एक बढ़िया सा नेक्समोन प्लीज आओ। मेगा टॉप भाई, मेरे को खाना नहीं बनाना यार, मतलब खाना लावा में कैसे बनाऊंगा, खाना डालूंगा तो खाना जल कर कोयला बन जाएगा, फिर मेरे को कोयला खाना पड़ेगा। वैसे टॉप फूटा हुआ है, ये लावा इसके ऊपर गिरता नहीं है क्या? मतलब पता चला वो लावा इसी के ऊपर गिरा, उसकी कहानी खलास हो गई, हो सकता है, कोई भरोसा नहीं, मतलब या कोई कन्फर्म नहीं है। ओके, वैसे हम लोग ने वो दो इलाके एक्सप्लोर नहीं किए, एक बार एक्सप्लोर कर ही लेते हैं यार। मतलब अब अपना काम है सीधा कॉन्सर्ट में जाना, मुझे लगता नहीं कि अपन दोबारा इधर रिटर्न आने वाले हैं, सो वाई नॉट एक्सप्लोर करने में क्या ही जाता है, क्या पता कुछ बढ़िया देखने को मिल जाए। वैसे तो मुझे लग रहा है ये जगह कुछ ऊपर ऊपर जाता है जहाँ से अब दो रास्ते जुड़ते हैं, बट फिर भी द एयर इज़ सो टॉक्सिक इन द सिटी। ओके, तो यहाँ का जो हवा है वो बहुत ज़्यादा जहरीला है, बट इज़ नाइसर अराउंड ईयर फार अवे। ओके, तो कहें तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब दूर से देखा जाए तो। आर यू हियर टू स्टील माई फ्रेश एयर। ओके, तो तुम इधर आए हो मेरे कुछ मतलब ताज़ी सांसें चुराने, वो द हेक, मैं इसकी मतलब ताज़ी सांसें चुरा के क्या करूँगा, मतलब लिटरली मैं वो सांसों का क्या करूँगा। वैसे इसके बाद में दम है यार, ये इलाका मतलब यहाँ जहरीली गैसें हैं और हम लोग बिना ऑक्सीजन मास्क के घूम रहे हैं जगह पर, मतलब हमें प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे तो यहाँ के आधे से ज़्यादा बंदों ने मास्क पहन रखा है, बट स्टिल मतलब या हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ये अजीब बात है यार, अपन तो काइंड ऑफ सुपर हीरो निकले। ओ भाई साहब, इसके पास ये है सेरिथा, सेरिथा मुझे भी मिल जाए तो मैं पकड़ लूँ, क्योंकि ये काफ़ी ठीक ठाक इसका एवोल्यूशन है, मतलब ये काफ़ी कूल दिखता है एवोल्यूशन में, बट देखते हैं अपने को मिला तो अच्छी बात है। भाई बाइंड अटैक, ये सेरिथा का बच्चा मेरे से बचेगा नहीं, बाइंड अटैक करता भाई, बड़ा ही हरामी बंदा भाई, मैं भाई चुपचाप बैटल कर लिया होता, ये बाइंड वाइंड यूज करने की क्या ज़रूरत है, ईमानदारी से बैटल करने का भाई, ये तो बेईमान निकला, क्या ही बोलना। ओके बढ़िया, आखिरी इसका कौन सा भाई, ओ मूसा मूसा है क्या, मूसा मूसा, वो दहेक मूसा मूसा, क्या ही नाम है भाई इसका, बट ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, मूसा मूसा को हमने मार के भूसा बना दिया। ओके भाई, क्या ही बोल रहा है भाई, कैसा नाम है मूसा मूसा। ओ यू आर रियल स्ट्रांग, हाँ ऑफ कोर्स मैं ताकतवर हूँ, उसमें कहने की बात क्या है। इफ़ यू वांट सम रियल फ्रेश एयर यू शुड विजिट अ जंगल टू द साउथ। ओके, तो तुम्हें कोई फ्रेश एयर चाहिए तो तुम्हें साउथ में जंगल की तरफ जाना चाहिए,
ओके आंटी जी, तुम्हारी बात में लगता है दम। ही आई डोंट थिंक वी नीड टू गो दिस वे। ओके समझ गया भाया, ये रोबोट का बच्चा हमें रोक रहा है, मतलब हमें इधर बाद में जाना, ठीक है, हम बाद में इधर एक्सप्लोरेशन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं किटवा। लेट्स गो, चलते हैं, ओवर शेर से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि ये आखिर ज़िंदगी में चल क्या रहा है। वैसे वो बताएगी भी उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, वैसे उसकी ज़िंदगी के बारे में मुझे जान के क्या मिलेगा, मुझे नेक्सल लॉर्ड की ज़िंदगी के बारे में जानना है। सो या, वैसे ये क्वाला पहले था क्या गेम में, तुम लोग मुझे बताओ, ये क्वाला पहले था क्या नेक्समोन में? मुझे लगता है ये नया ऐड किया गया है, मतलब यार क्योंकि बीच में एक अपडेट आया था उसमें काफ़ी नेक्समोन्स नए ऐड किया गया था। वैसे मैंने ये वाला चीज़ उठाया नहीं था क्या? ओह सुपर पोषण, क्या बात है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, लेट्स गो। वैसे बैटल से पहले मेरे को अपने आप को हील करना ज़रूरी है, बट मुझे वो टिकट मिलेगा कहाँ, सोचने की बात ये है, क्योंकि बिल्ला उस जगह पर था नहीं जहाँ उसने हम लोग को बोला था कि, मतलब टास्क कर दिया था कि उस बंदे को ढूंढना है मिसिंग वाले। बिल्ले से हम कहाँ मिलेंगे? आई थिंक सो उसके शॉप में, शायद से वो शॉप में टिकट देगा, हो सकता है, कोई भरोसा नहीं, बढ़िया उम्मीद तो मुझे लगता है वो शॉप में ही देगा। लेट्स गो, पहले हील कर लेते हैं। ओ बिल्ला बारी खड़ा है, बेस्ट गो, फिर तो बढ़िया है। नर्स, आज भी तुम बड़ी सुंदर हो पिछले साल की तरह, मतलब ये आई डोंट नो भाई इतनी सुंदर कैसे है, मतलब डेली ब्यूटी पार्लर जाती होगी, ऐसा हो सकता है, बट ब्यूटी पार्लर जाने से एक्चुअल में सुंदर होते हैं क्या? मेरे हिसाब से नहीं होते, मेकअप लगाती होगी, हो सकता है। वेल 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 वेल, ओके कितना वेल बोलेगा भाई, मैं तो ठीक ही हूँ। मैथ्यू टोल्ड मी व्हाट हैपेंड, ओके मैथ्यू ने मुझे बता दिया कि आखिर क्या हुआ था, ओके तब तो बढ़िया बात है। यू कैन कीप द कोर, ओके तो तुम कोर रख सकते हो। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग टू डू विद द नेक्स्ट लॉर्ड, ओके तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे नेक्स्ट लॉर्ड के बीच में पढ़ना भी नहीं है। ओके भाई मत पढ़, मैंने कब इसको रोक रखा है। ओ एंड आई हियर, क्या आर योर कॉन्सर्ट टिकट एज अ प्रॉमिस, ओके तो ये रहा तुम्हारा कॉन्सर्ट टिकट जैसा मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। ओके लेट्स गो, हमें हमारा कॉन्सर्ट टिकट मिल गया, बाड़ में जा बिल्ले अब, मतलब लिटरली बाड़ में जा। दिस इज ग्रेट, नाउ वी कैन क्या मीट ओवर से एरा, ओके ठीक है भाई, एरा ना तेरा ना मेरा, ओके आई सी यू एट अ कॉन्सर्ट, ओके ठीक है भाई, ये भी कॉन्सर्ट देखने आ रहे हैं, क्या बात है बिल्ले, लेट्स गो टू द कॉन्सर्ट। आई वेट दिस टाइम वी विल बी एबल टू क्या रीड द नेक्स्ट लॉर्ड ब्रॉडकास्ट, ओके तो अब हमें कॉन्सर्ट में जाना चाहिए और मुझे लगता है कि इस बार हम लोग नेक्स्ट लॉर्ड के ब्रॉडकास्ट को आखिरकार समझ लेंगे और पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। ओके भाई साहब, अब इतने सारे बवाले करने के बाद हम लोग ने ज़िंदगी में अपना टिकट हासिल कर लिया है, अब हमें बस कॉन्सर्ट में जाना है और ओवरसीयर एरा से पूछना है कि उस क्या बोलते हैं ब्रॉडकास्ट में आखिर था क्या और नेक्स्ट लॉर्ड आखिर ऐसा कौन सा खतरनाक सा प्लान बना रहा है कि वो दुनिया पे काबू करना चाहता है या दुनिया उस पर काबू करना चाहती है। वैसे वो दुनिया उस पर क्यों काबू करेगी, मतलब वही करना चाहेगा। सो या, हमें उसके खतरनाक प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट जहाँ तक अभी तक उसकी सारी चीज़ें देख के लग रही है, मतलब अपने को मैराथो ने बताया कि कोई मशीन नेक्स्ट लॉर्ड ने मंगाया है और उसे को ये कोर चाहिए था और ये कोर काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल है, क्योंकि उसने बताया इससे भाई गनाटिया उड़ सकती है, तो मतलब या वो कुछ खतरनाक ही सोच रहा होगा। सो वो हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि एरा हमें क्या बताती है क्या नहीं बताती है। तो या, आज के एपिसोड तुम लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक मार देना, चैनल पर नया आया हो और ऐसी वीडियोस देखना पसंद है चैनल को सब्सक्राइब मार देना। तो आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय, सेवनारा और फिर मिलेंगे दोबारा।